चित्तौड़गढ़ से निकले उदयपुर के लिए और बीच में नारियल पानी पी रहे थे, पर यहाँ बड़ी अजीब सी बात है कि नारियल पानी 20 रुपए का है। 20 रुपए का नहीं मिलता, नागपुर में भी बहुत महंगा मिलता है, पर यहाँ पे 20 रुपए का था। अब हम उदयपुर पहुँच गए, बस होटल ढूंढ रहे थे कि कहाँ रुकना है। हम उदयपुर पहुँच गए और हमने यहाँ पे एक धर्मशाला था वो कर लिए। रूम काफ़ी अच्छा और क्लीन है। सो जाओ। क्या सो जाओ और कल सुबह निकलेंगे नागपुर। बहुत सारी जगह है यहाँ घूमने के लिए। उदयपुर रॉक्स। उदयपुर से जो भी देख रहा है लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। टेबल तो ऐसे पढ़ क्यों गया? मेरे को नींद आ रही है, अब मेरे को सोने का मन हो रहा है। हमने कपड़े लेके आए थे सुखाने के लिए, तो यहाँ जगह तो अच्छी है, बाल्टी जैसी रस्सी लेके आना है तो कपड़े सुखाने के लिए डालेंगे। बाकी रूम बहुत अच्छा है, यहाँ से निकलते हैं घूमने के लिए। जो भी जगह है बहुत सारी जगह है यहाँ पे, और उदयपुर को लेक सिटी कहते हैं, और अभी तो यहाँ से लेक दिखी नहीं है, तो अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, ये है हमारा किचन, छोटा सा। इस किचन में गैस है, ये गैस है, ये स्टोव है, ये बर्तन है, ये टमाटर है, प्लेट है। बनाएगी श्वेत सब्जी। अभी हम यहाँ पे टॉप रेमन बनाने वाले, टमाटर, तेल, काली मिर्च, नमक, और हम होटल में ही रुके हुए हैं, मतलब धर्मशाला में। छोटा सा आधे लीटर का तेल लिया क्योंकि रखना बहुत टफ हो रहा था, इसलिए हमने ये वाला ले लिया। ये 1 लीटर का पैकेट रखना काफी टफ हो जाता है, पर ये जो बॉटल है ना इसको हम अच्छे से रख सकते हैं। ब्रांडिंग फ्री में कुर्ती। हमने घर से ही काली मिर्च लेके आए थे इसमें पैक करके, तो मैंने तेल जल जाएगी, काली मिर्च डाली, काली मिर्च जल ना जाए। हम दोनों काली मिर्च बहुत खाते हैं पर लाल मिर्च वगैरह नहीं खाते। अभी धक्का लगेगा और हल्ला होगा। ढक्कन भी नहीं लगे। अब मैं थोड़ा इसको फ्लेम बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा नमक डाल स्वाद अनुसार। इसमें पानी डाल देती हूँ। और लगेगा क्या पानी? नहीं, ये वाला जो पैन हमने लिए है ना, जैसे ये पोर्टेबल है वैसे ही ये पैन भी पोर्टेबल है, छोटा सा हो जाता है। और इसकी एक खास बात है, इसमें कितना भी पानी डाल दो इसमें पानी हमेशा ज़्यादा ही होता है, समा जाता है इजीली। इसलिए मैं नहीं, जैसे पानी डालो ना तो सूखता नहीं है, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। उस दिन मैंने पास्ता में ढेर सारा डाली थी पर वो बन ही नहीं रहा था, सूख ही नहीं रहा था। हमने पहले ही ख़त्म कर दिए, अभी इतने अच्छे से बना रहे हैं, उस दिन तो इतने थके हुए थे कि हमने बिना टमाटर के ही खा लिया। बड़ी टेस्ट लगी। थोड़ा सा तेज करके पानी हल्का सा और डाल देते हैं। इसमें उबाल आ गई है तो मैं मैगी डाल देती हूँ टॉप में, यूनिवर्सल मैगी। अभी ऐसा लग रहा है पर ये थोड़ी देर बाद समा जाएगा इसका। और ये कचूरा इतना सारा बचा हुआ है तो हम सोच रहे हैं कि वेस्ट करने से अच्छा इसी में डालते हैं।
काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट इट विल एडजस्ट, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। अब थोड़े दिन चालू बैठे, हल्का सा पानी ऊपर डालना, ऊपर थोड़ी देर में ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, ढक्कन ला लेना चाहिए तब में। पता चला है क्या ये जगह हॉन्टेड है। थोड़े टाइम के बाद ये ऊपर आ ही गया, जितना ज़्यादा हमने डाले थे उसके बाद भी पानी है, पानी अभी भी इतना है। तो इस पैन की मेरे को यही चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसमें कितना भी बना लो और पानी हमेशा परफेक्ट हो जाता है, बल्कि वो सुखाना पड़ता है। काली मिर्च और टेस्ट अनुसार, स्वाद अनुसार और थोड़े से नमक, ज्यादा नमक ना, मेरे को कैलकुलेशन अच्छे से आता है। इसमें मैं प्रो थोड़ा मसा करते कि वो अच्छी पक रहा है। मैगी बन गई, मतलब कि टॉप रेमन बन चुकी है। अब जल्दी से खा के देखती हूँ, बहुत भूख लग रही है।